हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टूडेज वीडियो इज़ अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर तो फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से कमिटी बनाई गई थी जिसमें डिसीजन लेना था कि एग्जाम किस तरीके से होगा तो कमिटी के बेसिस पे रिपोर्ट तो दे दिया है लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से कल या परसों तक आ सकता है लेकिन जितनी चीज़ें न्यूज़ में दिखाई गई है उसके बेसिस पे मैंने एक वीडियो बनाया है ताकि आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसमें से हम क्लियर करेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम हो सकती है तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखें और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अभी आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है बिकॉज प्रिपेरेशन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो किस तरीके से अभी आपको प्रिपेरेशन्स करना है वो आपको ध्यान रखना है तो फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स है फाइनली फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स फर्स्ट अक्टूबर से लेके थर्टी फर्स्ट अक्टूबर के बीच में लिए जाएंगे और गवर्नमेंट के तरफ से पर्टिकुलर है कि जो ये एग्जाम्स लिए जाएंगे उसके बेसिस पे क्विकली रिज़ल्ट लगाना है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाएगा और स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट मिलेगा ताकि अगला जो एडमिशन्स का प्रोसीजर है वो आपको अगले नवंबर से शुरू हो जाएगा तो फाइनल ईयर एग्जाम्स फाइनली फर्स्ट अक्टूबर से लेके थर्टी फर्स्ट ऑक्टूबर के बीच में होंगे और जो प्रैक्टिकल एग्जाम से फिफ्टीन सितंबर से शुरू करने के लिए उन्होंने ऐसी डेट दी गई है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाएगा ऐसे न्यूज़ में दिखाया गया था तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आएगा ही लेकिन जितनी सारी चीज़ें न्यूज़ में बताई गई थी वो सारी चीज़ों के ऊपर एक एक करके डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे फर्दर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो एग्जाम्स कैसे लिया जाएगा तो एक नया कंसेप्ट है एग्जाम लिया जाएगा प्रॉक्टर मेथड से अब ये प्रॉक्टर मेथड क्या है तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉक्टर मेथड एक्चुअली होता क्या है तो किस तरीके से ये प्रॉक्टर मेथड से एग्जाम लिया जाएगा ऐसी चर्चा है कि प्रॉक्टर मेथड से एग्जाम लिया जाएगा बिकॉज अभी सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देना थोड़ा डिफिकल्ट है तो उन्होंने कहा था कि एग्जाम घर बैठे बच्चा घर से दे सकता है अगर घर से एग्जाम दे सकता है तो कॉपी करने का भी प्रॉब्लम अराइज हो सकता है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के यूनिवर्सिटी ने फिर मेथड कौन से मेथड से लेना है तो ये प्रॉक्टर्ड मेथड से एग्जाम लिया जा सकता है ऐसे चर्चा हो रही है ऐसे डिस्कशंस हो रहे हैं और बेसिकली एग्ज़ाम जो होगा वो एमसीक्यू बेस ही एग्जामिनेशन हो सकता है बट हम वेट करेंगे हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को और टाइम टेबल के लिए उनके तरफ से ऑफिशियल गाइडलाइंस आ जाएगी उनके तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसमें फिर हमें प्रॉपर सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि, कि किस तरीके से होगा कैसे होगा क्या आपका टाइम टेबल होगा क्या आपका टाइमिंग होगा तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके ठीक है सबसे पहले फाइनल ईयर एग्जाम्स जो काफ़ी प्रॉब्लम था व्हेन तो व्हेन मैंने आपको बता दिया फर्स्ट अक्टूबर के बेसिस uh, पे फर्स्ट अक्टूबर से या थर्टी फर्स्ट अक्टूबर तक इनके बीच में आपका एग्ज़ाम होगा ऑफिशियल टाइम टेबल यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हो जाएगा ऑनलाइन मीडियम के बेसिस पे एग्ज़ाम होगा बिकॉज ऑफलाइन ऑफलाइन देखा जाए तो ऑफ़लाइन अभी होने के चांसेस बहुत कम है तो ऑनलाइन बेसिस पे ही एग्ज़ाम होगा लेकिन वो ऑनलाइन बेसिस पे कैसे लेना है क्या क्या उनकी स्ट्रैटेजीज होगी उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी के तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आपको मिलेगा तो वैसे हम हमारे आगे के प्रोविजंस को स्टार्ट कर लेंगे आगे के प्रिपरेशंस किस तरीके से करने हैं तो प्रोक्टर बेस मैंने आपको बताया अब ये प्रॉक्टर बेस होता क्या है सस्पेंस नहीं रखेंगे काफी सारे डिस्कशंस यहाँ पे हम करेंगे मेजर पॉइंट्स ऑनलाइन बेस एग्जाम हो सकता है देखो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लाए हैं सारे के सारे न्यूज चैनल पर दिखाए गए थे तो ऐसे हो सकता है आप इस पे इस बेसिस पे वीडियो से कुछ मिसअंडरस्टैंड ना करें कि सिक्सटी पूछे जाएंगे कैसे होगा क्या होगा तो बेसिकली ऐसी चर्चा है ऐसे डिस्कशंस है तो हमें हमारे जो यूनिवर्सिटी के तरफ से जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर कट दी जाएगी कि, कि किस तरीके से एग्जाम होगा तो इस तरीके से बताया गया था कि 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और स्टूडेंट्स को 50 क्वेश्चंस आंसर करने हैं मतलब स्टूडेंट विल हैव 10 क्वेश्चन एज दी ऑप्शन ऐसा हो सकता है ठीक है ऑनलाइन मीडियम में फिर स्टूडेंट किस तरीके से एग्जाम दे सकता है स्टूडेंट कैन गिव द एग्ज़ाम फ्रॉम होम तो घर से एग्जाम दे सकता है कंप्यूटर से एग्ज़ाम दे सकता है मोबाइल से एग्जाम दे सकता है लैपटॉप से एग्ज़ाम दे सकता है टैब से भी वो एग्ज़ाम दे सकता है अब रहा सवाल ये कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है या जो भी रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कंप्यूटर या फिर कोई भी इनमें से गैजेट्स अवेलेबल नहीं है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से देखा गया था कि एग्जैक्टली exactly 90 परसेंट ऑफ द स्टूडेंट के पास आज मोबाइल वगैरह की फैसिलिटी है लेकिन टेन परसेंट के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो उनके लिए भी यूनिवर्सिटी के तरफ से सोचा जाएगा कि एम के सी एल जो है एम के सी एल के बेसिस पे या फिर जो यूनिवर्सिटी अपने बेसिस पे गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि ऐसे बच्चों को नियरेस्ट सेंटर में जाके वो कैसे एग्ज़ाम दे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे और इसमें कोई दिक्कत भी ना हो तो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के ये पैटर्न डिसाइड किया जाएगा जिसके बारे में हमें जल्द यूनिवर्सिटी की तरफ से दो या तीन दिन में पता चल जाएगा और टाइम टेबल भी आ सकता है तो ये बेसिकली डिस्कशंस न्यूज़ में किए गए थे स्टूडेंट्स हु डोंट हैव सच गैजेट्स हैज टू गो टू नियरेस्ट एग्जाम सेंटर ऑफ एम के सी एल तो एम के सी एल विल हैव अ नियरेस्ट एग्जाम सेंटर वहां पर जाके स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है अभी जो घर से एग्जाम देंगे उनके लिए क्या है हाउ सुपरविजन विल बी डन तो घर से एग्जाम देंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आएगा या सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि घर से बच्चा एग्जाम कैसे दे सकता है अगर घर से बच्चा एग्जाम देगा तो कॉपी करने का तो सबसे पहला प्रॉब्लम अराइज हो सकता है इसीलिए प्रोक्टर मेथड को यूज किया जाएगा प्रोक्टर मेथड क्या है मैं आपको बताता हूँ देखो प्रॉक्टर मेथड में क्या होगा इफ यू कॉपी वार्निंग विल बी गिवन मतलब आप भले घर पे बैठे आप एग्जाम दे रहे हो लेकिन आपका आपके लिए सुपरविजन करने के लिए सामने इंटरनेट की तरफ मतलब सामने की तरफ से कोई कोई ना कोई आपको सुपरवाइज कर रहा है जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन को कॉपी करके गूगल में डालोगे या कॉपी करने को जाओगे तो वो पहली बात तो वो कॉपी होगा ही नहीं आपके सामने एक पॉपअप आएगा और वो पॉपअप में ये आएगा कि कॉपी करना अलाउड नहीं है और ऐसे हो सकता है ये मैं आपको सारे सीनैरियोज बता रहा हूं ऐसे हो सकता है तो प्रॉक्टर मेथड में यूजअली सच काइंड ऑफ पॉइंट हैपन्स तो ताकि स्टूडेंट कॉपी ना करें और वो बार बार वो ही चीज़ करेगा तो फिर उसके बेसिस पे आपका पेपर री पेपर सबमिट हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाएगा लेकिन इसके लिए कैमरा जो आपका रहेगा वो आपको ऑन रखना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए तो कैमरा ऑन रखना कंपलसरी मतलब अगर आप कैमरा ऑफ करोगे तो आपका एग्जाम ही नहीं हो सकता तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं तो इसके लिए हमको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए वेट करना है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आप घर बैठे एग्जाम दे सकोगे एम सी क्यू बेस एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा है प्रॉक्टर मेथड को यूज़ किया जाएगा ताकि आपको आप घर बैठे एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन आपको सुपरवाइज़ करने के लिए इंटरनेट के बेसिस पे सुपरविजन भी अरेंज हो रहा है मतलब वहां से जैसे ही आप एग्जाम जैसे आप कुछ मैल प्रैक्टिस करने जाओगे वैसे कंप्यूटर आपको पकड़ लेगा तो ये सारी चीज़ें हो सकती है अब हम हमारे मेन मुद्दे पे जाएंगे बिकॉज ये सारी चीज़ें देखो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़ में भी पता चलेगी ये सारी चीजें आपको बहुत सारे youtube के वीडियोस में भी पता चलेगी लेकिन आपको एक चीज जो है वो मैं हमेशा मैंने लास्ट वीडियो में भी डाला था दैट वाज हाउ शुड वी प्रिपेयर हम किस तरीके से प्रिपरेशंस करें अब अब हमें अगर ये सिनेरियो है ये अगर पेपर ये अगर इस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा तो किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बेसिक थ्योरी ऑफ एवरी चैप्टर कोई भी आपका सब्जेक्ट रहे आप किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे आप भले कॉमर्स कर रहे भले आप आर्ट्स के रहे तो बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है आपको हर चैप्टर के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था हर चैप्टर के बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना है बिकॉज अभी यूनिवर्सिटी अगर एम सी क्यू बेस पेपर डाल रहा है तो एम सी क्यू बेस में ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो फोकस करें आपके बेसिक्स के ऊपर फोकस करें एम के ऊपर फोकस करें अगर आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो जर्नल एंट्रीज के ऊपर तो हर पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है और मेरी तरफ से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी जैसे ही यूनिवर्सिटी के तरफ से टाइम टेबल अनाउंस होगा जैसे ही यूनिवर्सिटी के तरफ से क्लियर कट स्पेसिफ़िक इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि इस तरीके से एग्जाम होगा ये, ये आपका टाइम टेबल है तो मैं आपको मेरे बेसिस पे चैप्टर वाइज एम प्रोवाइड करूँगा मैं आपको इंपॉर्टेंट बेसिक्स प्रोवाइड करूँगा हर टॉपिक का और हम जितने हो सके उतने लाइव सेशन्स लेंगे ताकि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पेपर में वो हम सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे जिसका आपको हंड्रेड परसेंट बेनिफिट होगा तो यही था आज का डिस्कशन वेट करते हैं यूनिवर्सिटी के सर्कुलर के लिए ये सारी डिस्कशंस न्यूज़ के बेसिस पे हुए थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आएगा कि ये ये तरीक़ों से एग्ज़ाम होगा तब तक आप कन्फ्यूजन में ना रहे और जितनी चीज़ें हमने पढ़ी उससे आपका प्रिपरेशन सभी शुरू करें तो आ, लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम को ज्वाइन कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करे और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स पे इसको शेयर कर ले और टेलीग्राम में चैनल है लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम जिसको आप जॉइन कर सकते हैं वहाँ पे मैं सारे पी डी एफ सारे एम सी क्यूज़ वहीं पर शेयर करने वाला हूँ ठीक है थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन एज ऑलवेज़ वर्क हार्डर बी स्मार्टर